के hey रवि और आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं ये Nescafe, brand, मेरे पास यहां पर अपना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और इसका साइज है टू थाउजेंड बाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पिक्सल्स एंड विद दिस मेरे पास अपना यहाँ पर एसेट फोल्डर है एंड इसके अंदर कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जिनमें से कुछ हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए यहां पर यूज करने वाले हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना यहां पर एक बैकग्राउंड यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं इस तरह से और यहां पर इसे इस तरह से बड़ा कर रहा हूं लाइक like दिस इसके बाद मैं यहां पर अपना एक और बैकग्राउंड यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा जो कि हमारे यहां पर लाइटिंग uh, के लिए होगा ठीक है लाइटिंग के लिए कैसे मैं यहां पर अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं से यहाँ से इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इस तरह से और इस तरह से मैं लाइट पार्ट को इस तरह से मैं प्लेस करूंगा ओके हाईलाइट्स पार्ट को इसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर में ब्लर एंड देन गाजीन ब्लर इसे मैं इस तरह से सिक्सटी पिक्सल्स या फिर फिफ्टी पिक्सल्स से यहां से इसे ब्लर करूंगा और यहां से इसे ओके okay करूंगा ओके एंड फॉर दिस वी वांट जस्ट इट्स हाईलाइट्स तो मैं यहां से इसके ब्लेंड मोड को रखूंगा सॉफ्ट लाइट पर इस तरह से यू कैन सी यहां पर हाईलाइट्स एड हो गए हैं इसके ओके okay? आप चाहो तो इसे फर्दर कंट्रोल टी करके इस तरह से इसे प्लेस कर सकते हो ओके okay? एंड अगर चाहो तो यहाँ से स्मार्ट फिल्टर में से इसके गार्जन ब्लर को यहाँ से डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो इसके ब्लर को ओके एंड यहाँ से इस एरो आइकन से मैं इसे यहाँ से हाइड कर रहा हूँ ओके okay? मैं इसका नेम दे रहा हूँ लाइटिंग एंड इसका नेम है बीजी इन दोनों के ऊपर मैं यहाँ पर एक कर्व्स एयर्स में लेयर लगा रहा हूँ इस तरह से एंड इसे मैं इस तरह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करूँगा इसके ऊपर ठीक है इस तरह से मैं डार्क पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ दीज पार्ट्स एंड हाईलाइट को मैं थोड़ा सा इस तरह से अप कर रहा हूँ सो दिस वॉज आवर बिफोर एंड दिस इज आवर आफ्टर ठीक है थोड़ा सा फेडेड लग रहा था पहले अभी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो गया है इसे थोड़ा सा मैं फर्दर इसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करूँगा इसके ऊपर एंड वी आर डन नाउ विद द बैकग्राउंड मैं इन तीनों को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल जी करके इसे मैं ऐसे ग्रुप करूँगा यहाँ से मैं इसका नेम दे रहा हूँ बैकग्राउंड ठीक है एंड इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर अपना फ्लोर यहाँ पर ऐड करेंगे सो दिस इज़ आवर फ्लोर यहाँ से मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरह से एंड यहाँ से मैं इसे ओके okay करूँगा अभी के लिए मैं यहाँ से अपने बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर रहा हूँ एंड यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूँगा इसका नेम दूँगा मैं विद इन फ्लोर एंड यहाँ से इसे इस तरह का मैं डिस्टॉर्ट करूँगा हमारे मेन प्रोडक्ट की तरह ठीक है इस तरह से यहाँ से मैं इस तरह से कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से पर्सपेक्टिव करूँगा यहाँ से इसे इस मैं इस तरह से डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग सकता है तो आप इसे थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर करेंगे इसके बाद मैं अपना बैकग्राउंड यहाँ से इनेबल कर रहा हूँ एंड इसे यहाँ पर चेक कर रहा हूँ हम चाहें तो इसे यहाँ से कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं एंड अब इसके नीचे हम यहाँ पर कुछ डार्कनेस ऐड करने वाले हैं तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड ग्रुप को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर कर्व्स के ऊपर यहाँ पर एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है एंड ये है हमारा ड्रॉप शैडो तो हम लोग यहाँ से इसे इस पर रख कर इस तरह से ब्लैक कलर लेकर फ्लो अराउंड फिफ्टीन रख कर इस तरह से पेंट कर रहे हैं हमारे फ्लोर के नीचे इस तरह से ठीक है हम चाहें तो फ्लोर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बड़ा करेंगे मच बेटर दिस इज़ और बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ क्रिएट हो गया नीचे ताकि यहाँ पर ये लगे कि यहाँ पर ये फ्लोर ऊपर है ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने फ्लोर को यहाँ पर रिटच करने वाले हैं तो रिटच करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर लेयर्स ऐड किए इतने सारे लेयर्स ओके तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया था लेवल्स इसे थोड़ा सा यहाँ पर डार्क करने के लिए तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपने मेन डॉक्यूमेंट में और यहाँ से मैं पहले वुडन लेयर को थोड़ा सा यहाँ पर और कंट्रोल टी करके डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ ओके okay, इसके बाद मैं इस तरह से मैं अपने बैकग्राउंड लेयर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और अगेन यहाँ से थोड़ा सा नीचे पेंट कर दिया ओपेसिटी हम लोग रखेंगे 80% परसेंट एंड इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ ओके इसके बाद हम लोग अपने फ्लोर लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड सारे लेयर को भी मैं यहाँ से डिजेबल कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ चैनल्स पे और यहाँ से मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा हमारे ब्लू चैनल में ठीक है अभी यहाँ जो सिलेक्शन है वो पूरे में यहाँ पर हो गया है तो मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा और इसे यहाँ पर इन्वर्ट करूँगा ताकि हमारे फ्लोर लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करें बस ये ओके मैं जा रहा हूँ लेयर्स में एंड यहाँ पर मैं जाकर लेवल्स ऐड करूँगा इन दैट वे हमारा जो लेवल्स है वो हमारे सिलेक्शन में बस यहाँ पर अप्लाई होगा अब मैं यहाँ पर अपने सारे लेयर्स को यहाँ पर इनेबल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लेवल्स को थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट uh, कर रहा हूँ मेक श्योर sure कि आप यहाँ पर क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर लें इस पर ताकि हमारा जो एडिशमेंट है वो यहाँ पर केवल वुडन फ्लोर पर यहाँ पर अप्लाई हो यू कैन सी सो दिस इज़ आवर बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है मैं इसके बाद जा रहा हूँ हमारे फिल्टर uh, में शार्पेन एंड अनशार्प मास्क यहाँ पर हमारा मास्क थोड़ा सा सॉफ्ट में करूँगा यहाँ से ओके okay करूँगा मैं सो दिस इज़ और बिफोर आफ्टर ओके इसके बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ये डार्कनेस ये एज पर तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ अगेन अपने डॉक्यूमेंट पर एंड इसके ऊपर एक यहाँ पर लेयर क्रिएट कर रहा हूँ इसे क्लिपिंग मास्क क्रिएट करूँगा यहाँ पर एंड ब्रश लेकर यहाँ से ब्राउन कलर यहाँ से सैम्पल करूँगा थोड़ा सा इसे मैं डार्क कर रहा हूँ एंड फ्लो रखेंगे हम ट्वेंटी ब्लेंड मोड सॉफ्ट लाइट और यहाँ से हम इसे डार्क करेंगे हमारे इस पार्ट को ठीक है आई uh, थिंक कि मुझे अपना लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ इस तरह से इसके बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक और लेयर ले रहा हूँ क्लबिंग मास्क क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सैम्पल कर रहा हूँ ये लाइटर ब्राउन कलर और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे एज पर इस तरह से पेंट करूँगा इसका ब्रेन मोड रखेंगे सॉफ्ट लाइट पर और इस पर थोड़ा सा हम इस तरह से लाइटनेस क्रिएट करेंगे या फिर आप इस पर नॉर्मल भी रख सकते हो और इसका ओपेसिटी अराउंड ट्वेंटी रख सकते हो इसके बाद हम लोग यहाँ पर कलर बैलेंस ऐड करेंगे यहाँ से मैं जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ से मैं चूज़ कर रहा हूँ कलर बैलेंस यहाँ से मैं इसे क्लिप कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं इसे येलो की तरफ थोड़ा सा मैं इसे पुश करूँगा अराउंड ट्वेल्व एंड सियान की तरफ थोड़ा सा मैं माइनस सिक्स करूँगा एंड इसे क्लेप्स करूँगा मैं इस वॉय लेयर को थोड़ा सा यहाँ पर इसका ओपेसिटी फिफ्टी रख रहा हूँ थोड़ा सा नेचुरल लगे सॉरी कलर बैलेंस को हम यहाँ पर क्लिप कर लेंगे सो बस ये इस पर अप्लाई हो एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ऑल फोल्ड करूँगा और यहाँ से इस न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुलेगा मोड में रखूँगा ओवरले पर एंड फिल विथ ओवर न्यूट्रल कलर को यहाँ पर मैं चेक रखूँगा ओके okay करूँगा एंड इस तरह का यहाँ पर एक ग्रे लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा मैं इसे यहाँ से इसे क्लिप करूँगा अपने नीचे वाले लेयर पर और यहाँ पर मैं जाऊँगा ब्रश लूँगा ठीक है और यहाँ से मैं ग्रे कलर यहाँ से चूज करूँगा डार्क ग्रे कलर इस तरह से मिड ग्रे कलर ओके करूँगा और यहाँ से मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस से फिल करूँगा ओके थोड़ा सा मैं और डार्क करो अपने ग्रे को ऑल्ट बैकस्पेस स्पेस फिल करूँगा इस तरह से एंड अगेन इस तरह से डार्क ग्रे कलर लेकर इस तरह से मैं वहाँ वहाँ पर पेंट करूँगा जहाँ जहाँ पर मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए अगेन मैं यहाँ से अपने फ्लो को अराउंड सेवन रखूँगा और इस तरह से मैं पेंट करूँगा जहाँ पर मुझे कॉन्ट्रास्ट या फिर डार्कनेस चाहिए ठीक है सो बिफोर आफ्टर नाइस इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कर्व्स एडिशमन ले, ले लगाएंगे इसे क्लिप करेंगे और थोड़ा सा से मैं पुश करूँगा ऊपर की तरफ इसके शेडो पार्ट को एंड मिड टोन्स को थोड़ा सा मैं पुश करूँगा बिफोर आफ्टर ठीक है थोड़ा सा मैं शेडोज़ को नीचे कर रहा हूँ अच्छा बेटर सो वी हैव कम फ्रॉम दिस टू दिस ओके मैच करा लिया हमने अपने बैकग्राउंड से इसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट करेंगे नया लेयर और इसे क्लिप करेंगे अपने विडन लेयर पर होल्ड करके इस तरह से ग्रे या फिर ब्लैक फोरग्राउंड कर लेकर इसे मैं इस तरह से ब्रश लेकर इस पर पेंट करूंगा इस तरह से एंड विनेट क्रिएट करूंगा इस तरह से हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड एंड फ्लोर हमारा एब्सोल्युटली यहाँ पर रेडी है थोड़ा सा मैं यहाँ पर से थोड़ा सा इसे इरेज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा एंड ओपेसिटी में रख रहा हूँ सिक्सटी परसेंट सो so, हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर एंड वुडन फ्लोर यहाँ पर रेडी है सो so, मैं इस वुडन के भी सारे लेयर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट होल्ड करके एंड कंट्रोल जी प्रेस करके यहाँ से इसे ग्रुप कर रहा हूँ दिस इज आवर वुडन फ्लोर एंड दैट वॉज आवर बैकग्राउंड ये फ्लोर हमारा एंड ये बैकग्राउंड रेडी है हमारा इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना क्लोथ ऐड करेंगे ये वाला क्लोथ ठीक है सो so, इसके लिए मैंने अपना क्लोथ यहाँ पर रेडी रखा हुआ है आप लोगों के लिए एक यहाँ पर विथ बैकग्राउंड है एक यहाँ पर आइसोलेटेड है बैकग्राउंड से तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड जो आइसोलेटेड है उसे यहाँ पर मैं इसे मैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इस तरह से एंड कंट्रोल टी करूँगा एंड इस तरह से इसे पर्सपेक्टिव करूँगा एंड इस तरह से मैं इसे पर्सपेक्टिव में यहाँ पर इस तरह से करूंगा ठीक है ओके करूंगा इस तरह से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे हम लोग एंड इसका नेम रखेंगे हम लोग क्लॉथ कंट्रोल टी एंड थोड़ा सा छोटा करेंगे इसे इस तरह से मच बेटर कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा इसे डिस्टॉर्ट करेंगे हम ठीक है थोड़ा सा इस एरिया को भी हम थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेंगे एंड इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ ओके इसके बाद हम लोग इसका एक यहाँ पर शेडो क्रिएट करेंगे सो so इससे पहले कि हम लोग इस पर शेडो क्रिएट करें इसे हम यहाँ पर पहले रिटच कर लेते हैं और अपने बैकग्राउंड से इसे मैच करा लेते हैं ठीक है तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगेन अपने सारे लेयर्स को यहाँ पर अभी ऑफ़ कर रहा हूँ एंड जा रहा हूँ चैनल्स पर एंड यहाँ से कंट्रोल होल्ड करके अपने ब्लू चैनल पर यहाँ पर क्लिक करूँगा इस तरह से एंड आऊँगा अपने लेयर पर यू कैन सी यहाँ पर इसने सारे बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है हमें सिर्फ यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा और यहाँ पर इस क्लॉथ पर इस पर सिलेक्शन अप्लाई करूंगा ओके okay? एंड अपने लेयर को यहाँ पर अब इनेबल कर रहा हूँ एंड इसके ऊपर मैं यहाँ से एक लेवल्स यहाँ पर ऐड करूँगा ठीक है एंड यहाँ से हम इस पर क्लिपिंग मास्क क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से हम इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे इस तरह से ठीक है सो दैट वॉज और बिफोर आफ्टर इसका कपेसिटी हम यहाँ पर नाइन्टी रख सकते हैं एंड इसके बाद हम लोग इस पर एक कलर बैलेंस का यहाँ पर एडजस्टमेंट लेर लगाएंगे इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इसे थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड से मैच कराएंगे इसे येलो की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर पुश करेंगे एंड यहाँ से रेड की तरफ यहाँ पर वार्म करेंगे एब्सोल्युटली से मैचड बिफोर आफ्टर ठीक है हमारे फ्लोर एंड बैकग्राउंड से ये मैच कर रहा है अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर शेडो क्रिएट करेंगे ठीक है एंड उससे पहले हम लोग यहाँ पर शेडो क्रिएट करें मैं अपने क्लोथ लेयर पर आ रहा हूँ एंड यहाँ से कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसे यहाँ पर वॉर्प कर रहा हूँ एंड इसके यहाँ पर इस पार्ट को यहाँ पर मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश करूंगा एंड इसे भी थोड़ा सा यहाँ पर पुश करूँगा ठीक है ओके okay करेंगे एंड यू कैन सी दीज पार्ट्स यहाँ पर थोड़ा सा ये परफेक्ट यहाँ पर कटआउट नहीं हुआ है तो ऑफ़कोर्स हम यहाँ पर इस पर मास्क क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ से पेन टूल ले सकते हैं इस तरह से और इन पार्ट्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ सो आप लोगों को दिक्कत यहाँ पर ना आए एंड आप यहाँ पर कुछ स्किप ना करो ठीक है कंट्रोल एंटर करूँगा मैं एंड यहाँ से मैं मास्क पर रहते हुए ब्लैक फोरग्राउंड कलर से इसे ऑल्ट बैक स्पेस से फिल करूँगा एंड और अनवांटेड एरियाज और गॉन ये भी थोड़ा सा एरिया मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इसे भी थोड़ा सा यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर ऑल्ट बैक स्पेस एंड गॉन दिस इज़ इट एंड इसके बाद हम लोग फाइनली इस पर शेडो ऐड करेंगे सो so सबसे पहले हम इसका यहाँ पर बेस शेडो क्रिएट करेंगे तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा ठीक है कंट्रोल होल्ड करूँगा और यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा ताकि यहाँ पर इसका एक सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाए मैं जा रहा हूँ सिलेक्ट मोडिफाई एंड एक्सपेंड इसे मैं यहाँ से फोर पिक्सल से यहाँ पर या फिर थ्री पिक्सल से यहाँ पर एक्सपैंड करूँगा ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके नीचे यानी कि वुडन फ्लोर के ऊपर यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर ब्लैक कलर से ऑल्ट होल्ड करके बैक स्पेस फिल करेंगे कंट्रोल डी करेंगे एंड दिस इज आवर शेडो ठीक है सबसे पहले इस शेडो को हम यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे एंड इसके बाद जाएंगे हम लोग फिल्टर ब्लर एंड मोशन ब्लर यहाँ पर हम लोग इसका एंगल शेड करेंगे इस तरह से एंड 17 पिक्सल का यहाँ पर ब्लर लेकर या फिर 12 पिक्सल का यहाँ पर ब्लर लेकर इसे ओके okay करेंगे आप चाहो तो इसे थोड़ा सा यहाँ पर नज कर सकते हो इधर इधर आगे की तरफ इस तरह से एंड इसका मैं ओपेसिटी रख रहा हूँ एटी और सिक्सटी परसेंट नाइस सो ये हमारा यहाँ पर क्लोथ का शेडो यहाँ पर रेडी है अगर आप चाहो तो यहाँ पर अगेन जा सकते हो फिल्टर ब्लर एंड दिस टाइम गोजन ब्लर लेकर आप इसे थोड़ा सा यहाँ पर अराउंड टू पिक्सल से यहाँ पर इसे ब्लर कर सकते हो फॉर रियलिस्टिक रिजल्ट्स ठीक है या फिर वन पिक्सल से ठीक है मेक श्योर sure ज्यादा ना हो जाए एंड हेर इट इज आवर क्लोथ बैकग्राउंड एंड फ्लोर सो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एडजस्टमेंट करूँगा अपने क्लोथ पर मैं क्लोथ लेयर के ऊपर सिंपली एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ न्यू लेयर एंड यहाँ पर इसे क्लिप कर रहा हूँ दिस इज आवर एडजस्टमेंट्स ठीक है एंड ब्रश लेकर मैं इस कलर को सैंपल करूँगा इस तरह से अपने फ्लोर क्लियर को और थोड़ा सा इसे डार्क करूँगा या फिर मैं अपने क्लोथ कलर को यहाँ पर सैंपल कर रहा हूँ और यहाँ से इसे डार्क कर रहा हूँ फ्लो अराउंड थ्री रख कर इस तरह से मैं पेंट करूँगा इसके ऊपर ठीक है इस तरह से एंड इसका ब्लेंड मोड हम रखेंगे सॉफ्ट लाइट पर ओके okay. हम चाहें तो यहाँ पर फर्दर और यहाँ पर पेंट कर सकते हैं ठीक है एंड थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इस जगह पे पेंट कर लेंगे ठीक है आप चाहो तो यहाँ पर अपने शेडो लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी कर सकते हो और इसे थोड़ा सा यहाँ पर नज कर सकते हो कंट्रोल होल्ड करके नाइस nice. इसका मैं यहाँ पर शेडो नेम दे रहा हूँ शेडो एंड दिस इज आवर एडमेंट लेयर एंड इसके ऊपर मैं फाइनली यहाँ पर एक और Curves का यहाँ पर एडसमन लेयर लगा रहा हूँ इसे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा इसे डार्क करूंगा ठीक है बिफोर आफ्टर नाइस एंड थोड़ा सा यहाँ पर रेड दिख रहा है सो so मैं अपने कलर बैलेंस वाले एडम लेयर में यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और इससे थोड़ा सा यहाँ पर कम कर रहा हूँ लाइक फोर सो ये हमारा यहाँ पर क्लोथ भी यहां पर डन है मैं सारे को यहां सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने क्लोथ लेयर के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल जी करके यहाँ से ग्रुप कर रहा हूँ और इसे यहाँ पर नेम कर रहा हूँ क्लोथ अब अगर आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसे यहाँ पर बड़ा कर सकते हो ठीक है सो so अब इसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करेंगे एंड हमारा प्रोडक्ट है ये इसे हम यहाँ पर एंड ड्रॉप करेंगे एंड इसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे इसे सबसे ऊपर प्लेस करेंगे इसे कंट्रोल टी करेंगे एंड थोड़ा सा इसे हम छोटा करेंगे लाइक दिस सो एज यू कैन सी हमारे मेन इमेज uh, में मैंने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट uh, को यहाँ पर इस तरह से डिस्टॉर्ट किया हुआ है इस तरह से ठीक है ताकि थोड़ा सा ये एंगल में लगे एंड ये जो हमारा यहाँ पर इमेज है वो यहाँ पर पी इमेज है वो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट है सीधा है ठीक है तो अब इसे हम यहाँ पर उसी तरह से डिस्टॉर्ट करेंगे एंड पर्सपेक्टिव में करेंगे तो मैं यहाँ से कंट्रोल टी करके पर्सपेक्टिव यहाँ पर चुन रहा हूँ एंड यहाँ से इस पर थोड़ा सा मैं इस तरह से मैं पर्सपेक्टिव में इसे थोड़ा सा कर रहा हूँ इस तरह से इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख रहा हूँ एंड कंट्रोल टी करके कंट्रोल होल्ड करूंगा और इस तरह से थोड़ा सा इसे इसके बेस को थोड़ा सा इसे स्ट्रेटन करूँगा थोड़ा सा इसे ओके इसके बाद हम लोग आ, इस पर कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर करेंगे ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर रिटच करेंगे एंड इसका जो आ, लाइटिंग पार्ट है हम इस तरफ यहाँ पर शेप करेंगे और, यह, और यहाँ पर शेडो यहाँ पर आ, शेप करेंगे ठीक है तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने क्लोथ लेयर को यहाँ पर पहले बंद कर लेते हैं ठीक है हमारा ये तीनों लेयर सेपरेट यहाँ पर है ग्रुप वाइज एंड ये हमारा प्रोडक्ट इमेज है इसके ऊपर हम यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करेंगे ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे सो so, हमारा यहाँ पर न्यू लेयर का यहाँ पर विंडो खुलेगा मोड रखेंगे हम यहाँ से ओवरले फिल विथ ओवरले न्यूट्रल कलर फिफ्टी परसेंट ग्रे ओके करेंगे यहाँ से एंड ये कुछ इस तरह का यहाँ पर नजर आएगा इसे हम यहाँ पर क्लिप करेंगे एंड यहाँ पर हम ग्रेडिएंट लेंगे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर इस तरह से चूज़ करने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस इसे फिल करेंगे एंड थोड़ा सा ही से हम डार्क करेंगे इस तरह से थोड़ा सा ये ज़्यादा ही डार्क हो गया है तो मैं थोड़ा सा इसे और लाइट कर रहा हूं अगेन ऑल्ट बैक स्पेस सो बिफोर एंड आफ्टर ओके अब हम यहाँ से रिफ्लेक्टिव ग्रेडेंट लेंगे यहाँ से एंड क्लासिक ग्रेडियंट में रहते हुए यहाँ से बेसिक में जाकर फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ओके okay करेंगे और यहाँ से हम अभी वाइट uh, कलर लेकर अपने ओपेसिटी को रखेंगे थर्टी परसेंट एंड यहाँ से हम इस तरह से लाइट क्रिएट करेंगे हाइलाइट्स इस जगह पर नाइस nice. इस जगह पर थोड़ा थोड़ा यू कैन सी हेयर बिफोर आफ्टर अमेजिंग ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस जगह पर शेडो क्रिएट करेंगे उससे पहले हम मिडल में यहाँ पर अगेन यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से हम हाईलाइट क्रिएट करेंगे एंड ये यह हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो गया एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस जगह पर शेडो क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम लोग अभी वाइट से यहाँ पर डार्क की तरफ यहाँ पर पुश करेंगे ठीक है मिड uh, ग्रे में यहाँ से ओके okay करेंगे और यहाँ से हम शेडोज क्रिएट करेंगे थोड़ा सा ये वाइटी है अभी तक हम यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से डार्क करके इस तरह से शेडो क्रिएट कर रहे हैं ठीक है लुकिंग नाइस बिफोर एंड आफ्टर दैट्स हावी शेप और लाइट थोड़ा सा और हम ओपेसिटी फोर्टी करके थोड़ा सा और हम शेप कर रहे हैं इस तरह से बिफोर आफ्टर नाइस इसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से एक न्यू लेयर लेकर इसे क्लिप करेंगे नीचे और रिफ्लेक्टिव ग्रेडेंट चुनकर यहाँ से ये यह कलर यहाँ सैंपल से, करेंगे ये कलर ओके या फिर ये कलर एंड इसे थोड़ा सा हम येलो की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे इस तरह से एंड यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे और इस जगह पर येलो एंड ग्रीन थोड़ा सा हाईलाइट क्रिएट करेंगे इसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं लाइक स्क्रीन uh, पर या फिर सॉफ्ट लाइट पर ठीक है इस जगह पर बिफोर एंड आफ्टर लुकिंग नाइस मैचिंग विथ आवर बैकग्राउंड एंड ये जो लेयर है हमारा रिटच लेयर इसका मोपैसिटी नाइन्टी रखते हैं फॉर रियलिस्टिक रिजल्ट एंड इसके बाद हम लोग इसका नेम देंगे हम लोग येलो हाईलाइट एंड ये है हमारा शेपिंग द लाइट एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका शेडो यहाँ पर क्रिएट करेंगे बेस शेडो पहले ठीक है तो प्रोडक्ट लेयर के नीचे यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करेंगे हम इसका नेम देंगे हम बेस शेडो एंड यहाँ से हम ब्रश लेंगे यहाँ पर क्लिक right करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसे स्क्वीज़ करेंगे इस तरह से हार्डनेस रखेंगे हम अराउंड थर्टी थ्री थोड़ा सा हार्ड और कर लेते हैं ब्रश को साइड में एक बार इधर एक बार और यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करके ब्रश को हम इस जगह पे इस तरह से डैब करेंगे लुकिंग नाइस थोड़ा सा हम सॉफ़्ट करेंगे ब्रश को और इस जगह पर बाहर थोड़ा सा शेडो करेंगे इस तरह से कास्ट ओके बिफोर आफ्टर लुकिंग रियलिस्टिक इसे हम यहाँ पर एटी परसेंट में रखेंगे ओपेसिटी या फिर नाइन्टी इसको हम एक डुप्लिकेट लेंगे और यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करके इसे स्क्वीज़ करेंगे और इस तरह से रोटेट करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे ठीक है ओपेसिटी हम रखेंगे इसका बहुत कम थर्टी परसेंट एंड वी आर गुड टू गो नाउ इन दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दोनों को एंड यहाँ से कंट्रोल ई -E प्रेस करके मर्ज करेंगे एंड इसका नेम हम रखेंगे बेस शेडो उसके बाद हम यहाँ से बेस शेडो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इनर शेडो क्रिएट करेंगे इसके नीचे में बॉटम पार्ट में तो यहाँ से हम प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे एफेक्स में एंड यहाँ से इनर ग्लो और इसके बाद हम यहाँ से इसका कलर रखेंगे ये येलो ठीक है ब्राइट येलो एंड मल्टीप्लाई एंड थोड़ा सा हम इसे इंक्रीज़ कर रहे हैं ओपैसिटी तो हम थोड़ा सा पहले यहाँ पर पूरा इंक्रीज़ करते हैं एंड चोक को हम यहाँ पर सेट करते हैं इस तरह से साइज एंड चोक को हम यहाँ पर सेट करेंगे डार्क करेंगे एंड इसको पैसिटी हम कम करेंगे इस तरह से और डार्क करेंगे इसे ठीक है और साइज एंड चौक को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे इसके बाद हम इसे ओके okay करेंगे एंड इस इनर ग्लो वाले यहाँ पर इफेक्ट्स में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट लेयर करेंगे ठीक है ये यहाँ पर एक सेपरेट लेयर बन जाएगा इसे हम यहाँ से ऑल ठोल करके मास्क करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर एक ब्लैक या फिर नेगेटिव मास्क यहाँ पर क्रिएट होगा ब्रश लेंगे हम नॉर्मल ब्रश एंड इस तरह से हम फ्लो रखेंगे फिफ्टी परसेंट और इस तरह से हम वाइट फोरग्राउंड कलर लेकर इस तरह से नीचे में हम पेंट करेंगे इस तरह से थोड़ा सा हमें पीला दिख रहा है ये थोड़ा मैच कर रहा है हमारे बैकग्राउंड से पर हमें ये नहीं करना है हमें इसका जो कलर है वो यहाँ पर से शिफ्ट करना है तो कंट्रोल यू करूँगा मैं इस तरह से इसे सेलेक्ट करके एंड इसका जो कलर है थोड़ा सा मैं डिसचूरेट करूँगा एंड डार्क करूँगा लुकिंग नाइस बिफोर आफ्टर थोड़ा ग्रीन हो गया कंट्रोल यू अगेन एंड इसे येलो की तरफ थोड़ा सा पुश करके डिसेचूरेट एंड डार्क इन ओके बिफोर आफ्टर इसका कॉपेसिटी हम रखेंगे सिक्सटी परसेंट एंड आवर बेस्ट शेडो इज़ डन यहाँ पर भी थोड़ा सा हम पेंट कर लेते हैं इस जगह पे लुकिंग रियलिस्टिक एंड फॉर द लास्ट टाइम हम अपने प्रोडक्ट लेयर के सबसे ऊपर यहाँ पर एक ह्यू एंड सैचुरेशन अटैचमेंट लेयर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसे हम यहाँ पर क्लिप करेंगे एंड यहाँ पर हम एक्चुअली इसका ह्यू में जाकर थोड़ा सा इसका जो कलर है वो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे प्लस टू और थ्री ताकि थोड़ा सा ये येलो टोन की तरफ थोड़ा सा ये पुश हो जाए यू कैन सी बिफोर आफ्टर थोड़ा सा यहाँ पर ये पुश हुआ है हम चाहे थोड़ा सा और इसे पुश कर सकते हैं लाइक फोर सो बिफोर आफ्टर थोड़ा सा यहाँ पर नज हुआ है एंड हमारा बैकग्राउंड से थोड़ा सा मैच कर रहा है इसके बाद हम यहाँ पर अपना लोगो एंड बर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे तो पहले तो मैं यहाँ से अपने बर्ड लेयर को यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहा हूँ ये हमारा बर्ड लेयर हम यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे एंड थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे इस तरह से थोड़ा क्या ज़्यादा ही छोटा करेंगे इस तरह से यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड इसका ब्लेंड बोल्ड रखेंगे हम हाँ, मल्टीप्लाई पर एंड कंट्रोल एल करेंगे फॉर लेवल्स एंड इसके ब्लैक बार जो आ रहे हैं उसके हम यहाँ पर रिमूव करेंगे नाइस, nice. ओके okay. यहाँ पर ये यह जो बर्ड्स हैं इसका हम कलर मैच करा सकते हैं कंट्रोल यू करके एंड थोड़ा सा इसे सेचूरेट करके एंड येलो की तरफ थोड़ा सा इसे पुश करके ये है हमारा बर्ड्स लेयर ठीक है इसे हम यहाँ पर कंट्रोल जी करके ग्रुप को कर लेते हैं बर्ड्स विल नेम दिस एंड यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है इसे भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमारे सारे लेयर्स को कंट्रोल जी करके ग्रुप करेंगे एंड इसे नेम देंगे नेस्कैफे डैश प्रोडक्ट ओके अब हम यहाँ से अपने बर्ड लेवल के ठीक ऊपर यहाँ पर अपना लोगो ऐड करेंगे ये वाला एंड इस पर हम यहाँ कंट्रोल टी करेंगे एंड यहाँ से डिस्टॉर्ट करेंगे इसे इस तरह से ओके okay करेंगे एंड कंट्रोल टी करके छोटा करेंगे इस तरह से इसे एंड इसका ब्लैन मोल्ड रखेंगे हम ओवरले पर इसका जो कलर था वो यहाँ पर ब्लैक था पहले हम यहाँ से इसे कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से अब हम यहाँ से इसे ओवरले पर सेट करेंगे या फिर सॉफ्ट लाइट पर सेट करेंगे ठीक है अभी यहाँ पर हमारा ये जो है वो यहाँ पर कलर चेंज हो गया है तो मैं इसे बैक जा रहा हूँ एंड कंट्रोल यू करके इसे वाइट कर रहा हूँ पूरा ठीक है एंड यहाँ से ओवरले पर इसे सेट करूँगा या फिर सॉफ्ट लाइट पर ओके okay, यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे हम छोटा करेंगे थोड़ा सा इसे इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने कॉफ़ी बीन्स यहाँ पर ऐड करेंगे ठीक है तो मैं पहले इस लेयर को यहाँ पर ग्रुप कर लेता हूँ अपने लोगों को तो यहाँ से कंट्रोल जी करके के यहाँ से लोगो नेम दूंगा मैं इसे एंड वी आर प्रेटी मच ऑर्गेनाइज ठीक है हमारा हर एक एलिमेंट यहाँ पर ग्रुप वाइज यहाँ पर ऑर्गेनाइज है इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना कॉफ़ी बीन यहाँ पर ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पर अपना कॉफ़ी बीन यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहा हूँ सो so, ये हमारा कॉफ़ी बीन यहाँ पर मैं इसे छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे प्लेस कर रहा हूँ ठीक है पहले मैं इसका नेम चेंज कर रहा हूँ कॉफ़ी वन एंड इस पर मैं यहाँ पर पहले कर्व्स एड्समेंट लेयर यहाँ पर अप्लाई करूँगा क्लिप करूँगा यहाँ से एंड इसे इस तरह से डार्क इन करूँगा इस तरह से सो so, इसके बाद मैं इसका यहाँ पर शेडो क्रिएट करूँगा अपना कॉफ़ी का सो so, इसके नीचे मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ इसका नेम मैं दूंगा शेडो एंड यहाँ पर मैं ब्रश लेकर इस कलर को सैंपल करूँगा यहाँ से एंड यहाँ से मैं डैब करूँगा सिंपली इस तरह से ब्लैक कलर ले रहा हूँ अगेन एंड ओपेसिटी थर्टी रखकर अगेन यहाँ से डैब कर लुकिंग बेटर नाओ कपैसिटी 80 परसेंट एंड वी आर गुड टू गो नाउ इसके बाद मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर ब्रश लेकर मैं इसे स्क्वीज़ करूँगा इस तरह से एंड यहाँ पर मैं इस तरह से इस तरह से बेस शेडो क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से एंड यहाँ पर हम कुछ और कॉफ़ीज़ ऐड करेंगे अपने इस तरह के ये कॉफ़ी बीन सो इसे डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट करने के मैं यहाँ पर सीधा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यू नो कैसे यहाँ पर इसे प्लेस करते हैं तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ ठीक है एंड ये हमारा जो कॉफ़ी वन है इसके ऊपर मैं यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ एंड इसके कलर को मैं ब्राउन की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करूँगा इस तरह से लुकिंग मच बेटर थोड़ा सा डार्क करेंगे हम एंड यहाँ से हम इसे लैप्स करेंगे इसे हम यहाँ से इस कॉफ़ी वन लेयर को हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड कंट्रोल जी करके ग्रुप करेंगे कॉफ़ी वन एंड ये कॉफ़ी टू हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है यहाँ से यू नो हाउ टू मेक दिस एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारा ये थ्री लीव्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर इसे ऐड करते हैं इसके लिए मैं यहाँ पर अपने एसेट्स में से अपना लीफ यहाँ पर ऐड करूँगा ये वाला पहले ठीक है इसे मैं यहाँ से ड्रैगन ड्रॉप कर रहा हूँ एंड इसे यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ एंड इसे इस तरह से मैं इस तरह से प्लेस करूँगा ठीक है इस तरह से एंड इसे मैं ऊपर प्लेस करूँगा अपने सारे लेयर्स के इट्स आवर लीफ एंड इस पर मैं यहाँ पर कर्व्स एड्समे लेयर लगा रहा हूँ एंड इसे डार्क कर रहा हूँ इसे क्लिप करूँगा मेक श्योर sure, ठीक है एंड इस लेफ में क्लिक करके मैं जाऊंगा फिल्टर ब्लर एंड देन गाज़िन ब्लर इस तरह से मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ लाइक टेन और 12 ठीक है एंड इस तरह से मैं अगेन जा रहा हूँ अपने कर्स में एंड इस तरह से डार्क कर रहा हूँ गार्जन ब्लर आई थिंक थोड़ा सा कम रहना चाहिए यहाँ पर अराउंड एट एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे डार्क करने के लिए एक और एंड सैचुरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे डार्क करेंगे हम इस तरह से इसे एंड डी करेंगे इस तरह से इसे ठीक है एंड इसका भी हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड अपने बैकग्राउंड से मैच करेंगे इसे ठीक है इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक और न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट करेंगे एंड अभी हम यहाँ पर ब्रश लेंगे एंड सॉफ्ट राउंड ब्रश लेंगे यहाँ पर नॉर्मल एंड ये ग्रीनिश शेल वो कलर लेकर इस पर हम इस तरह से पेंट कर सकते हैं इसे हम यहाँ पर सॉफ्ट लाइट में करेंगे एंड इसका ओपेसिटी हम रखेंगे फिफ्टी परसेंट बिफोर आफ्टर ओके okay. इसी तरह हम अपने आ, सारे लीव्स यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो इससे पहले मैं अपने लीफ वाले लेयर को सारे लेयर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल जी करके ग्रुप करूँगा ये हमारा लीफ वन है एंड इसके बाद हम लोग अपना लीफ टू एंड लीफ थ्री यहाँ पर ऐड करेंगे ये दोनों ठीक है तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर पहला अपना क्रिएट करके बता दिया है आप जो भी बाकी है वो आप ख़ुद से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो तो मैं अपने लिफ्ट टू एंड लिफ्ट थ्री को यहाँ पर ड्रैगन ड्रॉप कर रहा हूँ इस तरह से इस तरह से हम इसे प्लेस करेंगे ठीक है इस तरह से एंड इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से एडजस्ट करेंगे ठीक है ये लीफ का थोड़ा सा मैं ब्लर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ अगेन लाइक नाइन एंड यहाँ से मैं इसके ऊपर में एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ लेयर एंड इसे डिक्रीज कर रहा हूँ अराउंड एलेवन एंड इसका मैं कर्व्स में जाकर थोड़ा सा इसे वापस से पुश कर रहा हूँ सैचुरेशन में जाकर इस तरह से इसे डार्क कर रहा हूँ एंड डी थोड़ा कर रहा हूँ इसे और इसे थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ हमारे माइनस में आप चाहो तो इस लिफ वन को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हो इधर एंड कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसे रोटेट कर सकते हो वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ फाइनल एडिशनल लेयर ग्लोज एंड हाईलाइट्स यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं ताकि थोड़ा सा ये यह डिज़ाइन यहाँ पर पॉप हो जाए सो so, इसके लिए मैं यहाँ पर अपने लेंस फ्लेयर ऐड कर रहा हूँ ठीक है so, सो हमारा पहला लेंस फ्लेयर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एंड वो है हमारा ये ठीक है मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से एंड यहाँ से इसे रोटेट करके इस जगह प्लेस कर रहा हूँ ओके कर रहा हूँ एंड यहाँ से इसका ब्लेंड बोल रख रहा हूँ स्क्रीन पर एंड इसे मैं इस तरह से बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से ठीक है एंड यहाँ पर थोड़ा सा आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा कंट्रोल एल करेंगे एंड इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं थोड़ा सा ठीक है एंड इसे हम यहाँ पर अपने लीफ थ्री के नीचे यहाँ पर प्लेस करेंगे तो अभी ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक लग रहा है यहाँ पे। नाइस इसके बाद हम यहाँ पर एक यहाँ पर स्पॉट फ्लेयर यहाँ पर ऐड करेंगे एंड उसके लिए मैं यहाँ पर ये लेंस ऑप्टिकल फ्लेयर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ये वाला इसे मैं ड्रैगन ड्रॉप कर रहा हूँ एंड इसे छोटा कर रहा हूँ इस तरह से इसे मैं ऊपर प्लेस करूँगा एंड इसे भी ये था हमारा लेंस फ्लेयर एंड ये है हमारा स्पॉट फ्लेयर या फिर आपसे जो भी बोलो इसे मैं यहाँ से स्क्रीन करूँगा एंड यहाँ पर जूम करके मैं इसे इस जगह पर हम मैं प्लेस करूँगा छोटा करूँगा इस तरह से ठीक है लुकिंग गुड मैं चाहूँ तो इसे फिल्टर में जाकर थोड़ा सा ब्लर कर सकता हूँ लाइक वन या फिर 0.5 एंड थोड़ा सा मैं इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ और लेंस फ्लेयर यहाँ पर ऐड करेंगे ठीक है तो इसके लिए मैं ये लेंस फ्लेयर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से मैं स्क्रीन पर रखूँगा Lens flare थ्री एंड इसे मैं यहाँ से चाहूँ तो इस जगह पर इसे प्लेस कर सकता हूँ कंट्रोल टी वॉर्प एंड हम इसे चाहें तो यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं इस तरह से आई बेट कि आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर कोई नहीं सिखाएगा यूट्यूब पर इस तरह का कस्टमाइज़ करना अपने सारे एलिमेंट्स को सो आई होप कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ठीक है थोड़ा सा इसे रोटेट करूँगा मैं एंड यहाँ पर प्लेस करूँगा warp करूँगा एंड थोड़ा सा इसे डाउन करूँगा ठीक है इस पर मास्क क्रिएट करके मैं यहाँ से ऑफ़ कोर्स इसके अनवांटेड पार्ट्स को यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ इसे मैं यहाँ से डुप्लिकेट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं अगेन कंट्रोल रास्टराइज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ से इसे इस जगह पर प्लेस कर रहा हूँ कंट्रोल टी वार्प एंड इसे मैं थोड़ा सा फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर मास्क सेलेक्ट एंड यहाँ से इसके अनवांटेड पार्ट्स को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ठीक है एंड फाइनली अगेन मैं यहाँ से ड्राग ड्रैगन ड्रॉप कर रहा हूँ हमारे लेंस फ्लेयर को छोटा कर रहा हूँ एंड स्क्रीन पर स्लेट करूँगा अगेन एंड यहाँ से मैं रोटेट करूँगा स्क्वीज़ करूँगा एंड शटल सा यहाँ पर एक ग्लो क्रिएट करूँगा इस तरह से लुकिंग नाइस नाउ ओके तो ओपेसिटी हम 80 रख सकते हैं इसका इसके बाद हम लोग फाइनली अपने एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि हमारा फिल्टर एंड कलर एडजस्टमेंट का होगा हमारे सारे कलर्स को यहाँ पर मैच कराने के लिए एंड इससे पहले मैं यहाँ पर अपने सारे स्पॉट एंड लेंस फ्लेयर को यहाँ पर ग्रुप कर रहा हूँ एंड यहाँ पर नेम कर रहा हूँ लेंस फ्लेयर इसे मैं नीचे रखूँगा एंड इसके अंदर ये भी यहाँ पर पुट कर दूंगा ठीक है सो लास्ट हमारा बच गया एडजस्टमेंट एंड इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने एजस्मेंट लेर आइकन पर एंड यहाँ से मैं चूज़ करूँगा कलर लुकअप यहाँ से मैं चूज़ करूँगा फॉल कलर्स यहाँ से मैं इसे ट्वेंटी सेट करूँगा अगेन मैं फिर से जाऊँगा एडजस्टमेंट लेर पर अगेन मैं लूँगा कलर लुकअप यहाँ से मैं चूज़ करूँगा क्रिस्प वार्म एंड यहाँ से मैं इसका भी ओपेसिटी थर्टी रखूँगा या फिर फिफ्टीन रखूंगा ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे अपने कर्व्स में एंड थोड़ा सा इसे पुश करेंगे शेडोज़ की तरफ थोड़ा नीचे करेंगे एंड थोड़ा सा इसे पुश करेंगे मिड टोन्स को थोड़ा सा डाउन करेंगे मिड टोन्स को इसके बाद अगेन जाएंगे हम आइकन पर और यहाँ से कलर बैलेंस चूज़ करेंगे इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर येलो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू की तरफ थोड़ा सा इसे पुश कर रहा हूँ ठीक है एंड यहाँ से सियान की तरफ ठीक है हल्का सा माइनस टू एंड इसके बाद बिफोर आफ्टर एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे वाइब्रेंस में कहाँ है यहाँ वाइब्रेंस क्रीज करेंगे अराउंड ट्वेंटी जाएंगे हम अगेन कॉन्ट्रास्ट में कॉन्ट्रास्ट ठीक है अराउंड फाइव इसके बाद हम लोग जाएंगे न्यू लेयर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे एंड यहाँ पर एक मोज लेयर यहाँ पर क्रिएट होगा हमारे सारे नीचे के लेयर्स का एंड अगेन हम इसका एक कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लिकेट लेंगे एंड यहाँ से जाएंगे इमेज अप्लाई इमेज एंड यहाँ से मोज अर्जबी एंड मल्टीप्लाई में रखकर इसे ओके okay करेंगे यहाँ पर ऑल होल्ड करेंगे एंड यहाँ से एक मास्क क्रिएट करेंगे नेगेटिव मास्क एंड यहाँ से ब्रश लेंगे वाइट uh, कलर लेंगे यहाँ से और यहाँ से फ्लोर रखेंगे टेन एंड जहाँ जहाँ पर हमें डार्कनेस एंड कॉन्ट्रास्ट चाहिए हम वहाँ पर डैब करेंगे सिंपली तो मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर डैब कर रहा हूँ यहाँ पर भी हमारे किनारे में चाहिए इस तरह से लीफ पर एंड हमारे इस जगह पर ठीक है बिफोर आफ्टर नाइस इसका कॉपेसिटी हम रखेंगे 90% परसेंट एंड इसके बाद लास्टली हम कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करके एक न्यू मर्ज लेयर यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करके एंड इसका नेम हम देंगे कैमरा रॉ क्योंकि हम यहाँ पर कैमरा रॉ फिल्टर का यूज़ करने वाले हैं ठीक है इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा एंड यहाँ से जाऊँगा फ़िल्टर कैमरा रॉ फिल्टर सबसे पहले तो मैं यहाँ से रेड टेकआउट करूँगा यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ अपने कलर मिक्सर पर एंड रेड को थोड़ा सा मैं लुमिनंस को इस तरह से आउट uh, कर रहा हूँ यहाँ से ब्राइट uh, कर रहा हूँ ठीक है एंड सैचुरेशन में जाके थोड़ा सा इसे डाउन कर रहा हूँ थोड़ा सा माइनस टू एंड येलो को मैं चाहूँ तो पुश कर सकता हूँ इस तरह से ये येलो एंड ये येलो ठीक है एंड इसके बाद ह्यू में जाकर मैं चाहूँ तो येलो को थोड़ा सा मैं और येलो की तरफ थोड़ा सा पुश कर सकता हूँ लाइक प्लस थ्री एंड यहाँ से येलोस को मैं डाउन कर सकता हूँ इस तरह से माइनस फोर एंड बेसिक में जाकर इसका टेम्परेचर मैं यहाँ से माइनस टू कर सकता हूँ एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट प्लस फाइव और थ्री डी हेज हल्का सा बस वन एंड क्लैरिटी अराउंड फोर टेक्सचर अराउंड टू ठीक है एंड यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड थोड़ा सा यहाँ पर विनियड क्रिएट करेंगे इस तरह से माइनस टेन ओके करेंगे एंड आप अगर चाहो तो यहाँ पर ऑल ठोल करके यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करोगे ओवरले करोगे इसे फिल विथ ओवरले ओके करोगे एंड यहाँ से आप फिल्टर में जाकर नोइज में जाकर ऐड नोइज करोगे एंड जस्ट छोटा सा थ्री पिक्स का इसे नोइज़ दोगे एंड थोड़ा सा इस पर नोइज़ यहाँ पर ऐड करोगे ठीक है इसका ओपेसिटी आप रखोगे फिफ्टी परसेंट एंड इट्स लुकिंग नाइस नाउ ओके सो ये हो गए हमारे एडजस्टमेंट लेयर विदाउट एडजस्टमेंट मैट लुक आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है एंड विथ एडजस्टमेंट ये हमने अचीव किया है हम सारे को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल जी करके यहाँ पर से नेम देंगे कलर एडजस्टमेंट्स ठीक है एंड लास्टली अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक और अपना कोई बैकग्राउंड जिसमें प्रॉपर लाइट हो लाइक like दिस आप यहाँ पर एड कर सकते हो इस तरह से ये वाला या फिर ये वाला ठीक है आप यहाँ पर इसे पूरा इस तरह से प्लेस करके फ्लिप वर्टिकल करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड इस तरह से आप इसे प्लेस कर सकते हो एंड इसे यहाँ पर सॉफ्ट लाइट में आप कर सकते हो प्लेस एंड इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ एब्सोल्यूटली अमेजिंग ये हमारा है हाईलाइट आप अगर चाहो तो यहाँ पर इसे ब्लर कर सकते हो थोड़ा सा ठीक है बिफोर आफ्टर मच बेटर एंड ओपेसिटी आप चाहो तो अब इसका बढ़ा सकते हो इस तरह से एंड ऑफकोर्स आप अगर चाहो तो इसका लेयर यहाँ पर मूव कर सकते हो इधर सो दिस इज़ आवर सेकेंड जो हमने अभी लाइव क्रिएट किया है यहाँ पर एंड दिस इज़ आवर अर्लियर वन जो कि हमने इस तरह का क्रिएट किया था आई थिंक मुझे ये वाला ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सॉस यहाँ पर ऐड कर दिया है ये हमारा सीक्रेट सॉस जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉप कर रहा है हमारे एंटायर इमेज को ठीक है ये वाला सो आई होप कि आपने इस uh, पूरे वीडियो से अराउंड ट्वेंटी प्लस टेक्निक्स न्यू टेक्निक्स यहाँ पर सीखे हैं जो आपने अभी से पहले इस वीडियो से पहले कहीं पर शायद नहीं देखा होगा एंड आई होप कि आपको ये पूरा ट्रेनिंग uh, आपको यहाँ पर समझ आया हो एंड या yeah, अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट मैन्यूबलेसन डिज़ाइंस एंड एड वर्कस यहाँ पर करना चाहते हो एंड एज अ फ्री अपने वर्क को लेवल अप करना चाहते हो तो आप मेरा ये कोर्स द जीरो टू प्रो कोर्स ऑन प्रोडक्ट मेन्यूपलेशन इन फोटोशॉप बाय कर सकते हो एंड ये सिर्फ आपको अभी 999 यानी कि नाइन हंड्रेड में यहाँ पर अवेलेबल है एंड इस पर अभी 50 परसेंट यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है ठीक है तो प्लीज़ अगर आपको इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में तो आप मेरे कोर्स को यहाँ पर बाई कर सकते हो एंड एज आई हैव सेड अर्लियर इस तरह का हाई क्वालिटी एंड फिनिश्ड वर्क ऑन प्रोडक्ट मेलपेशन डिज़ाइन आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कंसिडर बाइंग मई कोर्स विथ फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओके सो फाइनली दैट इज इट फॉर दिस टूटोरियल सो लेट्स रोल दी आउट रो सो गाइज दैट इज इट फॉर टूडे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एंड टिल देन इट्स पीस आउट